आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। जिला उमरिया बरबसपुर क्षेत्र के ग्रामीणों ने चक्का जाम कर अनिश्चित आंदोलन करने को लेकर प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया है, जहां जिले में बढ़ती बिजली समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही से पिछले कई माह से क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था चरमराई हुई है एवं किसानों की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। जिले के कई गांव बिजली विहीन है एवं किसानों ने कृषि कार्य करने के लिए बैंकों से कर्ज लिया था, लेकिन बिजली की समस्या से कृषि प्रभावित हो गई और किसान कर्ज में डूब कर पूरी तरह से परेशान है एवं बिजली समस्या को लेकर ग्रामीण किसान कलेक्ट्रेट कार्यालय एवं बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं आगामी दिनांक 9 सितंबर 2023 को सड़क मार्ग अवरुद्ध कर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने के संबंध में कलेक्टर के नाम संबंधित अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। पेश उमरिया से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। हम लोग किसान हैं, अब खेती पर आश्रित है। हम लोग रोजहीन घोघरी बरौदा बरही मंझौली बारह गांव के लोग बिजली से भारी परेशान हैं। धान की फसल बिल्कुल सूख गई है। हम दिनांक 17 को यहां एसी साहब के यहां एक निवेदन दे गए थे कि कौड़िया सब स्टेशन में अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाया जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब पूरे किसानों की, बारह गांव के किसानों की फसल सूख के चौपट हो गई। यदि किसानों की समस्या नहीं सुनी जाती है तो किसान आंदोलन के लिए तैयार। आज खेती हमारी पूरी चौपट हो चुकी है, अब हम उस कर्ज को कहां से कैसे पटाएंगे। शासन को ज्ञापन दिया है इसी उपलक्ष्य में कि हमारा जो है समस्या का निदान हो, और अगर निदान नहीं होता तो 9 तारीख को बरबसपुर बस स्टैंड में आवरण अनशन, चकाजाम, भूख हड़ताल और जो जो भी व्यवस्था बनेगी आम जनता करेगी और इसकी समस्त जानकारी जवाबदारी शासन प्रशासन की। हम उमरिया जिले के कई गांवों से, कई ग्राम पंचायतों से किसान एवं ग्रामीण जन आए हुए हैं विद्युत व्यवस्था की अव्यवस्था को लेके, और विद्युत विभाग के द्वारा जो लापरवाही हो रही है जिसकी वजह से आज पूरे जिले में अब वर्षा के कारण सूखे की स्थिति जो बनी हुई है, लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा, सिंचाई की तो बात छोड़िए, किसानों की फसल सूख रही है, जिसके कारण पूरे जिले के लोग आक्रोशित एवं आंदोलित हैं। और आज इधर कलेक्टर साहब से मिलने हम लोग आए हैं। हम लोग भी कलेक्टर साहब को अभी आवेदन दे के चर्चा करेंगे। अगर शीघ्र अतिशीघ्र बिजली की व्यवस्था उमरिया जिले की ठीक नहीं की जाएगी तो मजबूर होकर ग्रामीण जो है और तमाम आमजन इधर चक्का जाम और प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए श्रीमान कलेक्टर महोदय साहब से, हमारा कलेक्टर साहब से आग्रह है कि वो बिजली की व्यवस्था, सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, सभी हम किसान हैं और लाइट से बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं। महीनों से लाइट हम लोगों को यहाँ नहीं मिल रही है, सब लोग अंधेरे में रह रहे हैं, चाहे वो किसान हो या गांव में घर की लाइट हो, सब कुछ बंद ठप पड़ी हुई। स्कूली बच्चे भी परेशान हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं बिजली के अभाव में, और किसान भी सिंचाई के नहीं कर पा रहा, जिससे सभी लोग परेशान है। बीमारी से भी लोग बीमार हालत में जो व्यक्ति हैं वो भी बिना लाइट के परेशान हैं। इसलिए हमारे गांव में विशेष समस्या लाइट की बनी हुई है। इस तरह रवैया रही तो हम लोगों का कुछ भी नहीं हो पाएगा, किसानी सब ठप हो जाएगा। आगामी समय में हमारे यहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं की जा रही तत्काल समय में, तो हम लोग चक्का जाम या हड़ताल करेंगे सभी गाँव में 9 तारीख को। सर, मैं ग्राम पंचायत मझगामा का सरपंच राजीव सिंह बघेल हूँ। हमारे यहाँ आज एक महीने से लगभग ऐसी लाइट की स्थिति है कि पूरा अस्त व्यस्त जीवन हो चुका है। कंटिन्यू 15 दिन तो लाइट ही नहीं थी, उमरिया का ट्रांसफार्मर उड़ गया था। आज की डेट में ना भी सिंचाई हो पा रही, न कुछ हो पा रहा। पूरी जनता हमारे साथ एकत्रित हो रही है। आज शासन प्रशासन को अपन निर्देश भी दिए हैं, 9 तारीख को हम लोग चक्का जाम हड़ताल करेंगे। सभी को कई बार जानकारी दी गई, विद्युत मंडल के द्वारा न फोन उठाया जाता, न कोई जवाब दिया जाता। इसलिए हम लोग अमर अनशन की तैयारी कर रहे हैं। 9 तारीख का हम निर्देश दे चुके हैं। यदि 9 तारीख के पहले पहले हमारा सिस्टम लाइट का सही नहीं होता तो हम लोग चक्का जाम बरबसपुर में करेंगे। संदर्भ में ये सीमांत जिला कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन है, और ये ज्ञापन जो है माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष रखा जाएगा, इनकी जो मांगे हैं